एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो 9.3 में एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, इसका मीडियन है एक ए डी। अगर ए डी जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो दो ट्रायंगल बन गए हमारी ए बी डी ट्रायंगल एंड ए सी डी ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल। इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? इक्वल। अगर ये मीडियन है तो क्या होता है, जो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो दो ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल को डिवाइड करता है। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर दे रखी है हमें, ई इज ए पॉइंट ऑन मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ई एक पॉइंट है, ए बी सी ट्रायंगल का एक मीडियन दे रखा है इन्होंने ए डी। ए डी मीडियन के ऊपर एक ई पॉइंट है, हमें शो करना है, प्रूव दैट, शो दैट एरिया ऑफ ए बी ई, ए बी ई ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई। देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। सबसे पहले ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी जो है वो मीडियन है किसका? ए बी सी ट्राइंगल का। तो ए डी क्या करेगा, देन इट विल डिवाइड ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जो ये ए बी सी ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, कौन कौन सी ट्राइंगल? ए बी डी ट्राइंगल एंड ए सी डी ट्राइंगल। इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो ई डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ई बी सी। देखो यहाँ पे ई डी, ई डी भी तो मीडियन है ई बी सी ट्राइंगल का, ई डी भी मीडियन बनेगा, ये सेम ही तो लाइन है। तो क्या आ जाएगा? ऑल्सो ई डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मीडियन क्या होता है? जो बेस को क्या करे, बाइसेक्ट। तो देखो बी सी तो सेम ही है, बी सी को बाइसेक्ट ही कर रहा है ये डी पॉइंट। तो क्या होगा, ये ई बी सी ट्राइंगल का भी क्या होगा? मीडियन। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी। देखो ई डी अगर एक मीडियन है तो ई बी डी का एरिया और ई सी डी का एरिया, दोनों एरिया इक्वल होंगे। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में से। तो ये दोनों साइड सब्ट्रैक्ट होंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी माइनस क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। अब देखो ए बी डी के एरिया में से ई बी डी का एरिया माइनस करेंगे, ए बी डी के एरिया में से ई बी डी का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाली ट्राइंगल बचेगी, कौन सी? ए ई बी ट्राइंगल। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू ए सी डी में से ई सी डी का माइनस करेंगे, ए सी डी ट्राइंगल में से ई सी डी ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाली ट्राइंगल बचेगी ए सी ई। लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी। यही हमें प्रूव करना था। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ई मीडियन का मिड पॉइंट है, शो दैट एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो देखो सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल हमारी ए डी उसका एक मीडियन है और ये कहता है ए डी मीडियन का ई जो है वो मिड पॉइंट है। तो बी ई भी क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का मीडियन बन जाएगा। ऐसे देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले गिवन ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल का मीडियन है हमारे पास ए डी, तो क्या करेगा ये मीडियन इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया की ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, ए बी डी का एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी डी का एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी का एरिया क्या आ जाएगा, इस पूरी ट्राइंगल का हाफ हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के ट्राइंगल के एरिया के हाफ के इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है ना। अब क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो ए बी डी ट्राइंगल में बी ई भी तो मीडियन है, ई मिड पॉइंट है ए डी का,
तो बी ई क्या बनेगा, एक मीडियन। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी, देखो बी ई डी का एरिया किसके इक्वल होगा, बी ई ए के एरिया के, तो दोनों एरिया इक्वल आ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी एज इट इज ए बी ई का एरिया, ए बी ई का एरिया, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, हाफ द एरिया ऑफ ए बी डी, इस पूरी ट्राइंगल का हाफ होगा क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल थे, तो लिख देंगे 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। फर्स्ट इक्वेशन का अब हम यूज करेंगे, तो इधर तो ये एज इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी 1/2 एज इट इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी की जगह पे क्या रखेंगे 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो मल्टीप्लाई 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, 1/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यही हमें प्रूव करना था।